नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरी जिंदगी के एक नए व्लॉग में। मैं अमित पेशावरी आज फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं जेनरिक ड्रग्स वर्सेस ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर। इस ब्रांड को तो दुनिया भर के लोग जानते हैं। आइए हम कंसिडर करते हैं कि ये कोला ड्रिंक का इनोवेटर ब्रांड था। फॉर एग्जाम्पल, इनोवेटर मीन्स कि जितना भी कोला ड्रिंक बनाने में रिसर्च किया गया वो इस ब्रांड के ऊपर किया गया था, और जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ तो उसको कोको कोला के नाम से लॉन्च किया गया, राइट? अब अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलर कोला ब्रांड है, राइट, जिसे हम थम्स अप के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि इनोवेटर जो था वो हमारा कोका कोला था, जो 100 साल पहले आया। थम्स अप जो है वो आज से करीबन शायद 30 से 40 साल पहले आया, तो हम इसको कोला का जेनरिक ब्रांड मान सकते हैं, राइट? अगर ये इनोवेटर और ये जेनरिक है तो ये क्या है, राइट? दिस इज प्योर एंड प्योर जेनरिक। अब अगर मैं इसको प्रोडक्ट को मार्केट में देखता हूं तो इसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा? क्या मैं इसको कोका कोला बुलाऊंगा? नहीं। क्या मैं इसको थम्स अप बुलाऊंगा? नहीं। मैं इसको क्या बोलूंगा? इट्स अ कोला कार्बोनेटेड वाटर, विच इज इट्स साइंटिफिक टर्म और एक जनरल टर्म। सो जनरल से जेनरिक, करेक्ट? तो हम इसको किस नाम से जानेंगे? कोला कार्बोनेटेड वाटर। तो फिर अगर ये जेनरिक है तो ये क्या है, करेक्ट? ये क्या है? ये है ब्रांडेड जेनरिक। तो जब हम मार्केट में दवाइयों के ऊपर बात करते हैं तो वहां पर तीन टर्म्स को हम यूज करते हैं। वन इज द ब्रांडेड, which is the innovator brand. Second one is the branded generics, and there is a generic market. So ये है हमारे पास में एक amoxicillin and clavulanic suspension का generic product. Generic कैसे? इसके ऊपर कोई भी brand नहीं है। अब इसको बना कौन रहा है, इसको market कौन कर रहा है? वो कर रहा है हमारा भारतीय जनौषधि परियोजना के अंदर। तो ये जो product है इसके ऊपर सिर्फ इसका marketer है, इसका manufacturer है, but इसका अपना कोई ब्रांडिंग नहीं है। तो इसको अगर मैं आपको कंपेयर करूं तो ये इसके साथ में आप कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा एक जेनरिक प्रोडक्ट है और ये भी हमारा एक जेनरिक प्रोडक्ट है, करेक्ट? अब ये है मेरे पास में एक दूसरा बॉक्स। अब इस बॉक्स में क्या है? यहां पर मेरे पास में लिखा है इसका जेनरिक नाम, ठीक है। यहां पर है इसका मार्केटर या मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मार्केटर आर द सेम, यहां पर लिखा हुआ है। और ये है इसका ब्रांड नेम। तो इसको हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? इसको हम इसके साथ में कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इसका ओरिजिनल ब्रांड नहीं है, ये इसका इनोवेटर ब्रांड नहीं है, करेक्ट? ये इसका ब्रांडेड जेनरिक्स है, सिमिलर टू दिस कोला का ब्रांडेड जेनरिक, राइट? अब हम देखते हैं ब्रांडेड, राइट? अब ये ब्रांडेड मैं इसको क्यों कंसिडर कर रहा हूं? क्योंकि एमोक्सिसिलिन और क्लैवुलैनिक एसिड, इन दोनों के को कॉम्बिनेशन में लाने वाली कंपनी जो थी वो जीएसके थी, और उसने उसको लॉन्च किया था इस ब्रांड ऑगमेंटिन के नाम से। तो इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं एज अ इनोवेटर ब्रांड। अब अगर आप एमोक्सिसिलिन क्लैवुलैनिक एसिड यहां देख रहे थे तो यहां पर भी एमोक्सिसिलिन और क्लैवुलैनिक एसिड है। हाँ, ये टैबलेट फॉर्म में है, ये सस्पेंशन फॉर्म में है। दोनों का जो यूसेज है वो डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली साइंटिफिक कॉम्बिनेशन सेम है। पर ये बिना ब्रांड के है इसलिए जेनरिक है, और क्योंकि इन्होंने रिसर्च करके इस ब्रांड को लॉन्च किया ऑगमेंटिन के नाम से, तो ये इनोवेटर ब्रांड की कैटेगरी में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको हम अगर देखें देन दिस इज द ब्रांड, राइट? आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया है कि अल्टीमेटली जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसको हम ब्रांडेड मेडिसिन बोलते हैं, वो मेडिसिन होती हैं जो इनोवेटर होती हैं, जिनके ऊपर रिसर्च कराया जाता है, जिनको जिनकी डिस्कवरी होती है ड्रग की, और अल्टीमेटली मार्केट में एक ब्रांड के नाम से आती है, तो दे आर कॉल्ड एज ब्रांडेड मेडिसिन एंड द अदर्स आर जेनरिक्स, ब्रांडेड जेनरिक्स एंड दीज आर प्योर जेनरिक्स। आई होप एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट था, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड नहीं था, पर मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझा सकूं कि अल्टीमेटली
डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसका बेस आपको आने वाले वीडियोस में थोड़ा सा समझ में आएगा कि अल्टीमेटली प्राइस डिफरेंस क्यों है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ ही गया होगा, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज डेफिनेटली होगी, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर कि इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस कैसे आ जाता है एक इनोवेटर से जेनरिक के बीच में या इनोवेटर से ब्रांडेड जेनरिक के बीच में, राइट? इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, विल डिस्कस इट आउट इन कमिंग वीडियोस। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि इससे आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल सके और आपको कंटिन्यूटी बनी रहे। प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में डेफिनेटली कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जिसे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए और लाइक किए बिना इस वीडियो को प्लीज़ मत जाइएगा। आपका लाइक जो है वो मुझे बहुत मोटिवेशन देता है ताकि मैं अपने इन एफर्ट्स को कंटिन्यू रख सकूं।